हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है मनोज प्रायड। आप देख रहे हैं एक वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ क्यों आपको डॉल्बी एटमोस और वाइपर फॉर एंड्रॉइड और कोई भी साउंड मोड को अपने एंड्रॉइड फोन के ऊपर क्यों यूज नहीं करना चाहिए। सो मेरे फोन के ऊपर ऑलरेडी वाइपर फॉर एंड्रॉइड इंस्टॉल है और इस फोन के अंदर मैं ऑलरेडी डॉल्बी एटमोस को इंस्टॉल कर चुका हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा दीजिए। उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। दोस्तों, ये जो वीडियो है दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस जो होगा वही आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे मालूम नहीं है क्या आप भी ये प्रॉब्लम फेस करोगे और कर चुके हैं। सो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर चुके हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी रेडमी नोट 4G है और इसके अंदर मैं डॉल्बी एटमोस को यूज करता था पहले। और डॉल्बी एटमोस को यूज करने के दौरान मेरा जो स्पीकर है दोस्तों, ये डैमेज हो चुका है। इसका मतलब है जो स्पीकर है दोस्तों, ये काम नहीं करता है। और यहाँ पर जो ड्यूल मोड है दोस्तों, वो भी मैं यूज करता था। ड्यूल मोड को यूज करने के दौरान दोस्तों, ड्यूल मोड क्या होता है, यहाँ पर जो सामने वाला स्पीकर होता है फोन फायरिंग के लिए और जो पीछे वाला स्पीकर होता है, दोनों एक साथ काम करता है। सो ड्यूल मोड का जो स्पीकर होता है उसके लिए भी शायद जो पीछे वाला जो स्पीकर है ये डैमेज हो चुका है, जो मेन प्राइमरी स्पीकर होता है। उसके साथ साथ दोस्तों, जो डॉल्बी एटमोस में यूज करता था फुल वॉल्यूम के अंदर, उसके लिए शायद ये जो स्पीकर है डैमेज हो चुका है मेरे रेडमी नोट 4G के अंदर। यहाँ पर है मेरे पास दोस्तों, सो नोकिया एक्स के अंदर है वाइपर फॉर एंड्रॉइड। सो दोस्तों, यहाँ पर जो डिवाइस है दोस्तों, मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ और वाइपर फॉर एंड्रॉइड मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। ये जो वाइपर फॉर एंड्रॉइड है काफी ज्यादा अच्छा है, आपको इनहेंस कर देता है आपका जो आउटपुट होता है स्पीकर से। उसके साथ साथ ये ब्लूटूथ के साथ, हेडसेट के साथ, फोन स्पीकर के साथ भी काम करता है। और अगर मैं डॉल्बी एटमोस की बात करूँ, डॉल्बी एटमोस से दोस्तों, ये जो वाइपर फॉर एंड्रॉइड है काफी ज्यादा अच्छा लगा है मुझे। पर दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपकी कंपनी, अगर आप जिस भी कंपनी के साथ आप गए हो, जिस भी कंपनी को आप खरीदे हो, उसके साथ वाइपर फॉर एंड्रॉइड और डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट नहीं आता है, तो आप अभी भी अपने फोन के ऊपर ये दोनों साउंड मोड को और किसी भी साउंड मोड को इंस्टॉल करने की कोशिश मत करना। अगर आपके पास वन प्लस हो जाए, सैमसंग का फोन हो जाए, उस तरह की फोन के ऊपर जो ड्यूल मोड का सपोर्ट होता है, दोनों ही जो ड्यूल मोड होता है उसका भी ट्राई मत करना। सुना, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कैसे डॉल्बी एटमोस को अपने फोन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। इसको मैं लगभग 3 or 4 months यूज किया हूँ डॉल्बी एटमोस को। उसके बाद मेरा जो स्पीकर है दोस्तों, पूरी डेट हो गया है और काम भी नहीं करता है। सो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों, एक क्यों हुआ है और कैसे आप इससे बच सकते हो। तो दोस्तों, एक्चुअली मेरे पास मेरा जो रेडमी नोट 4G है दोस्तों, इसके अंदर मैं जो डॉल्बी एटमोस है उसको हमेशा ही टर्न ऑन करके रखता था। उसके साथ साथ गेम खेलने के दौरान, वीडियो देखने के दौरान और म्यूजिक सुनने के दौरान हमेशा डॉल्बी एटमोस फुल वॉल्यूम के ऊपर मैं यूज करता था। इसलिए शायद मेरा जो स्पीकर है दोस्तों डैमेज हो गया है। अगर आपके पास डॉल्बी एटमोस अपने फोन के ऊपर इंस्टॉल है तो आपको जो चीज करना होगा, आपका जो वॉल्यूम होगा दोस्तों, वो 70 के नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका 10 में आता है तो 7 और 100 में आता है तो 70 अपना वॉल्यूम। अगर आप इससे ऊपर में यूज करते हो डॉल्बी एटमोस और किसी भी साउंड मोड के साथ, तो आपको इसका डैमेज होगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। सो अगर आप डैमेज से बचना चाहते हो तो 70% से नीचे रखना। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका जो मैन्युफैक्चर है वो डॉल्बी एटमोस को इंस्टॉल करके नहीं देता है, तो आप जरूर से रूट करके अपने फोन के ऊपर कोई भी साउंड मोड को इंस्टॉल करने की कोशिश मत करना। आपका जो स्पीकर है इससे डैमेज हो सकता है दोस्तों। जो वाइपर फॉर एंड्रॉइड हो जाए, जो साउंड मोड हो जाए, जो ड्यूअल साउंड मोड हो जाए, जो डॉल्बी एटमोस हो जाए, क्या करता है, आपका जो स्पीकर है दोस्तों, स्पीकर को बूस्ट कर देता है, आपका जो स्पीकर का आउटपुट आता है उसे इनहांस कर देता है। उसके साथ साथ दोस्तों, आपका अगर मान लेते हैं आपका स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो 100% होता है, सो डॉल्बी एटमोस को और किसी भी साउंड मोड को इंस्टॉल करने के बाद उसका जो वॉल्यूम का रेट होगा दोस्तों, 200% हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके स्पीकर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोर्स जाएगा और फोर्स देने के कारण आपका जो स्पीकर है वो डैमेज हो सकता है। तो मेरा सलाह यही रहेगा, आप डॉल्बी एटमोस और किसी भी साउंड मोड को आपके एंड्रॉइड फोन के ऊपर यूज मत करना। अगर आप यूज करना चाहते हो 70% से नीचे रखना, उसके साथ साथ हेडफोन के साथ यूज करना। एनीवे दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।